कॉल करेंगे, 11 पर कॉल करेंगे, 11 पर कॉल करेंगे। सर जी मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं किसको कॉल करूंगी? आपको कॉल करूंगी ना। अगर आप फोन मत करिए, आप अगेन चिट्ठी लिखी, यू अगेन गिव इट कि हमारे तो मेरा फोन नहीं उठा रहे, वो दसियों दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहे, मैं किसको करूंगी फिर? अगर आपको अच्छा फिर होल्डर किसके पास जाएगा, कस्टमर किसके पास जाएगा? सर कस्टमर किसके पास जाएगा? अपने रास्ता बताएंगे, रिमाइंडर दीजिए अपनी कंप्लेंट का। किसको रिमाइंड करूँ? हेलो, वो आप उसी चैनल से जाइए, फोन मत करिए। सर अगर आपके पास नहीं करूंगी तो मैं किसके पास करूंगी? आरएम के पास? आरएम मेरा फोन नहीं उठा रहा है। नहीं 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 उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगे। नौकर नहीं है ना हमारे, नौकर नहीं नहीं है, मुझे बनाना भी नहीं है आपको नौकर। लेकिन आप गवर्नमेंट सर्विस तो कर रहे हैं ना, अगर आप कस्टमर की गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, हम आपको राइटिंग में रिप्लाई मिलेगा आपको, आप फोन ना करें। आपके ब्रांच हेड की वजह से, आपके ब्रांच हेड की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। ही इज रिस्पॉन्सिबल ना आपका, रिजेक्ट क्यों किया गया है? क्या चीज वैलिड नहीं है, क्या चीज लीगल नहीं है? मिलेगा वही आपके राइटिंग में पूछा है ना, राइटिंग में मिलेगा? नहीं मैंने मैंने ओरली भी पूछा हुआ था, राइटिंग में कर इतनी लेट हो रही है जब भगवान जी याद आते लेटर इन राइटिंग में नहीं करते सर, अपने लिमिट में ही राइटर से बात करें। नहीं मैं बहुत अच्छे से इतनी लिमिट में है, डोंट क्रॉस योर लिमिट सर। बिल्कुल डोंट कॉल, डोंट क्रॉस योर, आई डोंट वांट टू टेक योर मनी। मैं आपके पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं एक वुमेन हूँ और जो योजना बनी है मंत्री की तरफ से, मैं उस योजना के तहत लोन मांग रही हूँ। मैं आपका पर्सनल पैसा नहीं मांग रही हूँ, ना आपके ब्रांच का पैसा मांग रही हूँ। नहीं आप ये कैसे कर सकते हो, आप तो कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। आप सवाल जवाब बिल्कुल कर, बिल्कुल करूंगी, इसलिए आपको फोन किया था मैंने। मतलब आप लेडीज समझ के डरवा रहे हो मुझे, मैं लिमिट में रहूं और ये नहीं, आप बात ही ऐसी कर रहे हो, आप बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हो। आप सब लेवल पे बात करके सबको डरा रहे हो कि हमने कंप्लेंट कर दिया, हमने बिल्कुल मैंने कंप्लेंट की, स्टेप बाय स्टेप कंप्लेंट की हुई, जैसे पढ़े लिखे इंसान करते हैं, जैसे पढ़े लिखे इंसान करते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। दूसरी चीज, मैंने आपसे पर्सनल पैसा नहीं मांगा है, अपना लोन मांगा हुआ है, जो मंत्री की तरफ से लोन एक महिला के लिए था, लीगल और लीगल चीज। हाँ और उसने कमीशन कैसे मांगा, वो लिमिट से क्रॉस करे, लेकिन मैं अपनी लिमिट में मेरे के बाद नहीं कर सकती। क्या राइटिंग मिलेगा? मुझे तो ऐसा लगता है आप सब लोग मिले हुए हो, और जब कमीशन नहीं मिला तो सबको बुरा लग रहा है। आपको जो मिलेगा नहीं लोन मेरिट से क्वालिफाई, नहीं मेरी बात सुनिए, मुझे लोन तो कोई भी, मैं जेन्युइन हूँ, मुझे लोन तो कोई भी दे देगा, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कमीशन कैसे मांगा, और सिर्फ कमीशन ना मिलने पे मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया उन्होंने उठा करके, और आप भी उनके साथ मिल करके बात कर रहे हो। मेरा 10 दिन से मुझे टहलाया जा रहा है, 2 दिन से आ रहे हैं, मेरा फोन नहीं उठा रहे, डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, योर ब्रांच हेड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही इज नॉट एबल टू टेक माई फोन। आप क्या सोच, आप इंग्लिश में बात करके मैं जॉब नहीं कर सकती आपको? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या? 24 घंटे का नौकर थोड़ी है यार। नहीं मैं नौकर नहीं बना रही हूँ, मैंने ड्यूटी टाइम फोन किया था, मैंने ड्यूटी टाइम फोन किया था, 10 से 5 फोन करती हूँ ड्यूटी टाइम आपके, और ड्यूटी टाइम को रिस्पॉन्सिबल है। आप वेकेशन पे हो, कहीं पे भी हो, आप पूरी यूपी को नहीं बता के वेकेशन पे जाते हो कि मैं अपनी लिमिट में रहूंगी, आपको फोन नहीं करूंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो आपको फोन नहीं उठाना चाहिए, अगर आप वेकेशन पे हो तो आप फोन नहीं उठाएंगे, आप अपना नंबर अलग कीजिए। नाउ यू डिस्कनेक्ट माई फोन, आई एम नॉट।